क्वेश्चन इज, टू प्लेट्स ईच ऑफ 6 मिलीमीटर थिकनेस आर टू बी बट वेल्डेड. कंसिडर द फॉलोइंग प्रोसेसेस एंड सिलेक्ट द करेक्ट सिक्वेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ द हीट अफेक्टेड जोन. फर्स्ट आर्क वेल्डिंग, सेकेंड MIG वेल्डिंग, थर्ड लेजर बीम वेल्डिंग एंड फोर्थ सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग. देखिए, इस क्वेश्चन में कई सारे वेल्डिंग प्रोसेसेस दिए हुए हैं और इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में सीक्वेंस को बताना है हमें कि कौन सा वेल्डिंग प्रोसेस है जिसका हीट अफेक्टेड जोन कम है और कौन सा वेल्डिंग प्रोसेस है जिसका हीट अफेक्टेड जोन ज्यादा है. तो दो प्लेट्स को यहाँ पे बट वेल्डेड किया गया है, यानी बट ज्वाइंट है दो मेटल प्लेट्स का. तो बट वेल्डिंग बेसिकली दो मेटल प्लेट्स के क्रॉस सेक्शन को साइड बाई साइड हम पूरा जोड़ते हैं, उसे हम लोग बट ज्वाइंट कहते हैं या बट वेल्डिंग कहते हैं. तो यहाँ पे चार वेल्डिंग प्रोसेसेस हैं, आर्क वेल्डिंग, MIG वेल्डिंग, लेजर बीम वेल्डिंग एंड सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग. तो देखिए, हीट अफेक्टेड जोन जो होता है वो रेट ऑफ हीट इनपुट पे डिपेंड करता है. जितना ज्यादा रेट ऑफ हीट इनपुट रहेगा उतना ही कम हमारा हीट अफेक्टेड जोन होगा. तो लेजर बीम वेल्डिंग की अगर बात करें तो लेजर बीम वेल्डिंग में सबसे ज्यादा रेट ऑफ हीट इनपुट होता है. इसका मतलब लेजर बीम वेल्डिंग में सबसे कम हीट अफेक्टेड जोन हमको देखने को मिलेगा. तो अगर मैं सीक्वेंस लिखूं, सीक्वेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, सीक्वेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉर हीट अफेक्टेड जोन. तो सबसे कम जो हीट अफेक्टेड जोन होगा वो लेजर बीम वेल्डिंग के लिए होगा, क्योंकि लेजर बीम वेल्डिंग में जो रेट ऑफ हीट इनपुट होता है वो सबसे ज्यादा होता है. इसके बाद MIG वेल्डिंग का होगा, MIG वेल्डिंग. इसके बाद सबमर्ज डार्क वेल्डिंग का होगा, से मैं ऐसे W लिख देता हूं. और सबसे ज्यादा हीट अफेक्टेड जोन आर्क वेल्डिंग में होगा. सो इस क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा.